तो क्या हाल चाल मेरे जिगर के छल्लो। जब आप GTA San Andreas को प्ले करना चाहते हो तो कुछ ऐसा एरर शो करता है, तो किस तरीके से इस एरर को फिक्स करना है तो बने रहो इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कैसे इस एरर को फिक्स करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बार बार आओ ना भाई, किसने मना किया है। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में एम रखते हैं 200 लाइक्स। भाई बहुत कम है, सिर्फ 200 लाइक कंप्लीट करवाना है आपको, इतना ही एम है। तो मैं इस एरर को फिक्स करने के आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है, आप अपने विंडो के सर्च बार में जाइए और यहाँ पर जाकर के आप सर्च करिए इंटेल कंट्रोल पैनल, तो आपके में ही डाउनलोड होना चाहिए। अगर नहीं डाउनलोड है तो जाके कर लो। तो कुछ इस तरीके का ये कंट्रोल पैनल है, मैंने इसे अपडेट कर लिया है, तो कुछ नए एडवांस फीचर के साथ ये अब मुझे मिलेगा। अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो साइड में आ रहा है कुछ ऐसा आपका होगा। तो सिंपल सा तरीका ये है इसको फिक्स करने का। सबसे पहले आपके डिस्प्ले में जाना। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऊपर है रेजोल्यूशन का, तो इस रेजोल्यूशन को आपको फिक्स करना है उसी रेजोल्यूशन के हिसाब से जो आपके GTA San Andreas में एरर शो कर रहा है, कुछ ये वाला। तो अगर ये सेम टू सेम ना मिले तो इससे आपको कम भी रख लेना है। और ये दिक्कत मत लेना कि भाई सेम टू सेम रखना, थोड़ा कम भी रख लेना, उससे चल जाएगा, कोई दिक्कत एरर शो नहीं करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसको फिक्स करने के दूसरे तरीके के बारे में। अगर आपके लैपटॉप में इंटेल का ये कंट्रोल पैनल उपलब्ध नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये फिक्स करना है। तो देखिए, जब मैंने इसको छोटा कर दिया तो किस तरीके से इतना गैप बच गया है मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो अब बात कर लेते दूसरे तरीके के बारे में। तो इसका दूसरा तरीका है, अपने PC या लैपटॉप की सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा, इस डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ आप देखोगे वही सेम रेजोल्यूशन यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा होगा, और आपको उसी के ऊपर सेट कर देना है जो मैंने आपको बताया कि अगर सेम टू सेम ना मिले तो थोड़ा आप ऊपर नीचे या थोड़ा सा कम करके भी आप इस रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं अपने गेम के एरर के अकॉर्डिंग। तो फाइनली गाइज, मैंने इसको फिक्स कर दिया है अपने जो गेम का एरर आ रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको लाइव प्रूफ चला के दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। तो फाइनली हमारा गेम अब चल चुका है, वो एरर शो नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं, क्योंकि हमने उस एरर को फिक्स कर दिया है, उस एरर को अब सेट कर दिया है। तो अब आप गेम प्ले देख सकते हो और आप देखोगे कि मेरे जो PC में जो रिकॉर्डिंग हो रही है अब कितना गैप है यहाँ, क्योंकि मेरे जो गेम का रेजोल्यूशन मैंने कम कर दिया है और मेरे PC का रेजोल्यूशन इस गेम के रेजोल्यूशन से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इतना आपको गैप दिखेगा ब्लैक। तो आप गेम जब खेलोगे उसमें नहीं दिखेगा, मैंने रिकॉर्डिंग की है इसलिए आपको ये गैप दिख रहा होगा, लेकिन आप गेम प्ले में ये नहीं दिखेगा। तो जब भी आप इस गेम को खेल के अपने PC या लैपटॉप को बंद करने जाएं तो अपने विंडो की जो सेटिंग आपने रेजोल्यूशन की सेटिंग की थी उसको डिफ़ॉल्ट कर लें, कि बाद में आपको कोई एरर शो ना हो, आपकी स्क्रीन छोटी ना हो। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बाय बाय माय इवन फैमिली, लव यू ऑल।